स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डी एफ ए फ्रॉम अ गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। यही क्वेश्चन हमने आखिरी दो वीडियोज़ में भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, मतलब दो तीन रेगुलर एक्सप्रेशन या दो तीन छोटे छोटे रेगुलर सेट्स को हमने एक के अंदर कंबाइन करा। और बड़ा क्वेश्चन में अगर आपको आए कि जैसे 10 और 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो आपको कैसे सॉल्व करना है हम वो आज मैं आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से बताऊँगी। ये टॉक की सीरीज़ का 22nd लेक्चर है, तो ध्यान से देखना। अब फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि एक हमारे पास कोई स्टेट है क्यू नॉट, ठीक, जिसको हम इनिशियल मान रहे हैं, और ये एज होल हमारा इनपुट है, और ये होगी हमारी फाइनल स्टेट, ठीक। अब वन बाय वन इसको हम ओपन अप करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ये हमारी होगी क्यू नॉट स्टेट। अब प्लस का मतलब क्या था? पैरेलल एजेस, अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट स्टेप में ये कनकैटिनेटेड है, ये दोनों चीज़ें भी कनकैटिनेटेड है, तो इनको हम ओपन अप करेंगे। अब अगले स्टेप में हम क्या देखेंगे? इनको एक्सपेंड करेंगे फर्दर और इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक। ये मैं इस तरह कर रही हूँ जैसे आप सेमेस्टरल एग्ज़ाम्स के अंदर अगर आपको आए तो, जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपको इसको सॉल्व करना हो, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे कर रहे हैं आप डायरेक्टली अगर देख के, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करना हो तो आप डायरेक्टली इससे जो भी लास्ट स्टेप आएगा आप डायरेक्टली भी मूव कर सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो। फिर गलती होने के भी चांस नहीं होंगे। अब यहाँ पे 0 और 1 1 के पैरेलल एजेस बनाने हैं, ठीक। इसी स्टेप के अंदर मैं ये नल मूव का भी देख रही हूँ, तो यहाँ पे आएगा एक नल जीरोस, एक नल, और उसके बाद कनकैटिनेटेड 1, ठीक। ये इनके नाम ई एंड एफ, ठीक। अगर आप ध्यान से देखें ये दो नल मूव है किस चीज़ के लिए, क्योंकि हमें 0 स्टार करना था और ये सेल्फ लूप से हमने 0 को डिनोट करा है। अब उसके बाद 1 1 से हम फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं। अब 1 बाय 1 इन नल को आप रिमूव करोगे तो रिजल्टेंट आएगा क्या? अब ये 0 हम डायरेक्टली इसी के ऊपर बना रहे हैं सेल्फ लूप, और उसके बाद 1 1 की हेल्प से हम मूव करेंगे कहाँ? क्यू एफ। अभी मैंने मिनिमाइज्ड बनाया, ये ई और एफ स्टेट बीच में से हमने डिलीट कर दी, क्योंकि अगर नहीं भी करोगे, अगर डी जब आप नल मूव को रिमूव करोगे तो बीच में हमारी क्या एक डेड स्टेट बन जाएगी, तो उसको हटाने के लिए हमने डायरेक्टली ऐसे बना दिया, ठीक। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। मैं ये स्टेप्स लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो कि किस स्टेप के बाद क्या है। अब ये अगर देखा जाए, ये आपका डी एफ ए नहीं है, ये एन एफ ए होगा, राइट। अगर देखें जैसे क्यू एफ पे कोई हम 0 और 1 पे हमारे पास कुछ है ही नहीं, कहाँ पे जाना है, तो ये हमारा एक क्या है, डी एफ ए नहीं है, एन डी एफ ए दोबारा बता रही हूँ। तो अगर आपको डी एफ ए जैसे क्वेश्चन के अंदर दिया है, तो इसके बाद आप कन्वर्जन का पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है तो एन एफ ए टू डी एफ ए की कन्वर्जन आप इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक। हाउ टू कन्वर्ट एन एफ ए टू डी एफ ए, इसका लिंक मैं आपको आई बटन के अंदर दे दूंगी। ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक।
Thanks for watching, guys. If you like my videos, then please hit like button and subscribe to my channel. Thank you.